बॉलीवुड में कई ऐसे एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अलग अलग वजह से कभी गोविंदा के साथ काम नहीं किया है। आज गोविंदा संग काम ना करने वाली एक डायरेक्टर और कोरियोग्राफर का किस्सा बताने जा रहे हैं। गोविंदा को बॉलीवुड का नेचुरल डांसर कहना भी गलत नहीं होगा। ऑडियंस एक्टर के डांस के साथ ही उनके एक्सप्रेशन की भी दीवानी है। आज गोविंदा के डांस स्टाइल से जुड़ा ही एक किस्सा बताने जा रहे हैं। अगर आप गोविंदा के डांस के दीवाने हैं तो बता दें कि आप अकेले नहीं हैं। बॉलीवुड में भी कई दिग्गज ऐसे हैं जो गोविंदा का डांस देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गोविंदा के जिस फैन की यहाँ बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान हैं। फराह खान ने अपने 30 दशक के लंबे करियर में बॉलीवुड के कई मशहूर एक्ट्रेस को डांस सिखाया है, लेकिन उन्होंने आज तक कभी गोविंदा के साथ काम नहीं किया है और इस बात का खुलासा फराह खान ने खुद किया था। फराह खान ने एक कॉमेडी शो पर शिरकत करने के दौरान हीरो नंबर वन एक्टर संग काम ना करने की बड़ी वजह का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि वह बचपन से गोविंदा को देख कर ही डांस सीख रही हैं और वह एक्टर को अपना गुरु मानती हैं। मैं हूं ना, डायरेक्टर ने आगे बताया कि वह चाहे कितनी बड़ी कोरियोग्राफर क्यों ना बन जाए लेकिन वह गोविंदा को डांस नहीं सिखा सकती हैं। एक्टर से केवल डांस सिखा जा सकता है और उन्हें सिखाया नहीं जा सकता है। फराह खान ने इस बारे में आगे बात करते हुए कहा था कि फिल्म ओम शांति ओम के गाने दीवानगी दीवानगी के दौरान उन्होंने सभी एक्ट्रेस को कोरियोग्राफर किया था, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने गोविंदा से अपने स्टेप्स खुद करने के लिए कहा था। यहां तक कि शाहरुख खान को भी गोविंदा ने ही डांस सिखाया था। फराह खान के मुताबिक एक्टर ने दीवानगी दीवानगी के आखिर फिल्म में छोटे मियाँ बड़े मियाँ के स्टेप्स डाले थे जिसने गाने में एक अलग जान फूंक दी थी, और जब उन्होंने गाने का फाइनल एडिट देखा तो वह देखती रह गई। बता दें कि बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को बॉलीवुड का हीरो नंबर वन ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ये एक्टर जितना उम्दा अभिनेता है उतने ही शानदार डांसर भी हैं। गोविंदा ने अपने अभिनय के साथ ही अपने डांस से भी दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है।